दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, सुशांत का केस एकदम ठंडा पड़ता जा रहा है। सीबीआई की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आ रही है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में सुशांत की बहनों ने पीएम मोदी तक से गुहार लगाई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया था। लेकिन फिर भी हम सबको उम्मीद थी कि कम से कम वो हम सबकी फरियाद सुन रहे हैं, सुशांत की बहनों की बात सुन रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर शायद सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र ही बोलते नजर आ रहे थे, क्योंकि बिहार चुनाव आने वाले थे। वहीं अब सब सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई सिर्फ बिहार सरकार के एक्शन में आने के बाद ही आई थी, तो ऐसे में बिहार सरकार ने भी इतना वक्त क्यों लगा दिया? क्यों सुशांत के जाने के तुरंत बाद सीबीआई को इस केस में नहीं लाया गया? दोस्तों, सुशांत केस में कई पार्टी सामने आईं, कई नेता सामने आए, लेकिन सबने इस केस पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी अपने अपने फायदे के लिए। कई लोग सुशांत के पक्ष में बोले तो कई विपक्ष में, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए। सुशांत के इंसाफ से मानो किसी का कोई सरोकार नहीं था। काश कि सुशांत का केस तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाता तो आज शायद सच सबके सामने होता। वहीं एम्स की रिपोर्ट आने के बाद सुशांत का केस मानो एक तरह से बंद ही हो गया है, हमें कुछ भी बताया नहीं जा रहा। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? क्या हम सुशांत को इंसाफ दिला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।